हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 7, दिस इज विवेक श्रीवास्तव सर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 2 ऑफ योर हिस्ट्री बुक। द चैप्टर इज रीजनल किंगडम, ओके, 7th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी। सो ऑन द फर्स्ट पेज, इट मीन्स पेज नंबर 11th and 12th, there is a map given, okay, and in this map we are going to see that how big and small ruling dynasties are controlling before 12th centuries, it means between 7th to 12th centuries, okay students. So these dynasties existed in the early medieval period of the subcontinent. The medieval period of India was spread out over a fairly long period on 1000 years, and the social, political and economic condition during the early centuries were absolutely different from the later centuries. It means पिछले 1000 सालों की जो कंडीशन है वो हम इस मैप के थ्रू देख पाते हैं। देयरफॉर द एंटायर पीरियड इज स्टडीड इन टू डायनेस्टिक पीरियड्स, इसलिए यह जो पूरा पीरियड है एक साल का, इसको हम दो भागों में, बराबर पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। द अर्ली मेडिवल पीरियड, इट मीन्स फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी, एंड द लेटर मेडिवल पीरियड from 13th century to 18th century CE. Okay students, so after starting that chapter, that was the intro of that lesson, and after that we have to know that rise of new kingdoms, it means naye samrajyon ka uday, kaise naye naye samrajya bane, isko hum dekhenge is topic mein. Harshvardhan was the last ruler who controlled a large empire in the ancient India. Harshvardhan ने प्राचीन काल के भारत में सबसे बड़े साम्राज्य को अपने कंट्रोल में रखने का जो है काम किया था। वो इकलौते लास्ट एम्पायर राजा थे जिन्होंने कि पूरे भारत को अपने कंट्रोल में रखा। Shortly after his death, his empire broke up and many new kingdoms appeared. जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, उनका साम्राज्य जो है टूट गया, ठीक है, और छोटे छोटे भाग में, उत्तर भारत के छोटे छोटे क्षेत्रों में बट गया। द चनमनास एंड गुजरा प्रतिहार्स वेयर द मेन किंगडम अमॉन्ग देम। देखिए, चहमना एक साम्राज्य था और गुजरा प्रतिहार्स ये दूसरा साम्राज्य था। ये उस समय के दो मुख्य संप्रदाय बन गए। द पलास कार्ड आउट एंड इंडिपेंडेंट किंगडम इन द ईस्टर्न पार्ट अराउंड द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में पलास लोगों ने अपना एम्पायर खड़ा कर लिया, अपने आप को फ्री कर लिया, ठीक है। डेक्कन में, दक्षिण भारत में, और एंड साउथर्न रीजन, द चालुक्यास वेयर रिप्लेस्ड बाई राष्ट्रकूटास। चालुक्य वंश को राष्ट्रकूट वंश ने रिप्लेस कर दिया। एंड द पल्लवास बाई चोलास, और पल्लव संप्रदाय को चोला संप्रदाय ने अपने कब्जे में ले लिया। दीज किंगडम्स कंटिन्यूसली फॉट विथ ईच अदर फॉर सुप्रीमेसी एंड एक्सपेंशन ऑफ देयर टेरिटरीज। इन्होंने सुप्रीमेसी के लिए, यानी अपनी शक्ति को अधिक करने के लिए, बढ़ाने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, अपने टेरिटरीज को एक्सपेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए लगातार युद्ध लड़ा। दस द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम कैप्ट चेंजिंग फ्रिक्वेंटली, इस तरह से इनके क्षेत्र के जो बाउंड्रीज थे, सीमा रेखाएं थी, वो लगातार चेंज होती रही। ओके, सो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू नो दैट हाउ दीज किंगडम्स इमर्ज्ड, कैसे ये साम्राज्य जो है इमर्ज हो गए, ठीक है। By the 17th century, the being landlords of our warrior chiefs emerged into different regions of subcontinent and become important
इन द किंगडम। देखिए जो बड़े लैंड लॉर्ड्स थे, बड़े भूमिपति थे, पूंजीपति थे, वो मुख्य मुखिया बन गए, वॉरियर बन गए, योद्धा बन गए, ठीक है, और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया। रूलर्स एक्सेप्टेड दीज लैंड लॉर्ड्स एज देयर सबॉर्डिनेट्स आर समंताज, और जो उस क्षेत्र के राजा थे उन्होंने इन लोगों को अपना सबॉर्डिनेट यानी कि अपना सामंत मान लिया। ठीक है, आपके कब्जे में ये देश है, क्षेत्र है, आप यहाँ की देखरेख करो, और जो पूंजी, जो टैक्स, जो कर होना चाहिए वो हमें आप पे कर दे। ओके, दीज समंताज ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर रूलर्स, जैसा कि मैंने पहले बताया, दे ब्रॉट गिफ्ट फॉर द रूलर्स। ओके, अटेंडेड द कोर्ट्स रेगुलरली, प्रोवाइडेड देम विद मिलिट्री सपोर्ट्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। ओके, विद टाइम द समंताज बिकम पावरफुल एंड वेल्दी, समय आगे बढ़ता रहा और ये सामंत लोग जो हैं और पावरफुल, शक्तिशाली और धनाढ्य होते गए। विद टाइम द समंताज बिकम पावरफुल एंड वेल्दी एंड अज्यूम्ड ग्रैंड टाइटल्स एज महासमंता एंड महामंडलेश्वर, और इनकी पावर जैसे जैसे बढ़ती रही इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, अपने को सामंत से महासामंत और महाबलेश्वर नाम तक इन्होंने रख लिया। ओके, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ देयर रूलर, और इसके बाद उन्होंने अपने आप को अपने राजाओं से फ्री कर लिया, यानी कि वो बोले कि हम आपके कब्जे में नहीं हैं, एंड एस्टैब्लिश देयर इंडिपेंडेंट किंगडम, और अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित। द राष्ट्रकूटास वेयर सबॉर्डिनेट टू द चालुक्यान रूलर ऑफ कर्नाटका। देखिए राष्ट्रकूट वंश जो है ये चालुक्य वंश का सबॉर्डिनेट कर्नाटक। इन 753 CE 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट चीफ जिनका नाम था दांती दुर्गा, ठीक है, डिफीटेड द चालुक्य एंड एस्टैब्लिश हिज कंट्रोल ओवर डेक्कन। उन्होंने चालुक्य लोगों को पराजित किया और डेक्कन पे, दक्कन पे पूरा कब्जा कर लिया। हाउएवर दांती दुर्गा वाज नॉट द क्षत्रिय बाय बर्थ, दंती दुर्गा जो थे वो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे, एंड इट वाज डिफिकल्ट फॉर अ नॉन क्षत्रिय टू बी एक्सेप्टेड एज ए रूलर, और उस समय के नियमों के हिसाब से जो लोग क्षत्रिय नहीं थे उनको रूलर एक्सेप्ट करना आसान बात नहीं थी। ठीक है, therefore to gain the status of kshatriya he performed a ritual called hiranyagarbh mahadana with the help of brahmins। hiranyagarbh literally means the golden womb। dekhiye unhone ek yagya kiya jiska naam tha hiranyagarbh, theek hai, aur iska matlab tha literally means the golden womb, theek hai। द पर्सन हु परफॉर्म्ड यह काम, यह पूजा जो करता था, दिस रिचुअल वॉज कंसिडर्ड टू बी बॉर्न अगेंस्ट अ क्षत्रिय। इसका मतलब अगर आप इस पूजा पाठ को कर लेते हैं तो आप भी क्षत्रिय कहे जाएंगे। क्लियर, देर आर सम इंस्टेंसेस वेयर नॉन क्षत्रिय मेन फॉर इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू एस्टैब्लिश देयर ओन किंगडम। देखिए कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे नॉन क्षत्रिय लोगों ने मिलिट्री के दम पे यानी सैन्य शक्ति के दम पे अपना फिर से अपने साम्राज्य को स्थापित किया, जैसे मयूर श्रमण एंड हरिश्चंद्र हु वेयर ब्राह्मिन्स बाय बर्थ, ये लोग जन्म से जो हैं ब्राह्मण थे, फॉर बैटल्स एंड एस्टैब्लिश द कंडबा डायनेस्टी, ठीक है, कडम्बा डायनेस्टी को इन्होंने जो बनाया था। इन द मॉडर्न डे कर्नाटका, कडम्बा का नाम आज कर्नाटक हो चुका है, एंड गुजरा प्रतिहर डायनेस्टी इन मॉडर्न राजस्थान रिस्पेक्टिवली। ओके, राजस्थान में एक जगह है थी उस समय गुजरा प्रतिहार, इन्होंने जो है एक डायनेस्टी बनाई थी। इन 750 CE द पाला डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश बाई गोपाला इन बंगाल रीजन। 750 में एक नई डायनेस्टी बनी पाला डायनेस्टी, जिसको बंगाल में बनाया गया गोपाल के द्वारा। वेयर द गॉड किंगडम नेम्ड ससंका हैड डाइड विदाउट लीविंग बिहाइंड अ सक्सेसर। देखिए एक और किंगडम था गॉड किंगडम, जिन्होंने कि अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा और उनके राजा ऐसे ही मर गए,
Gopala was elected a ruler by the chiefestians of the Bengal and Bihar. गोपाल को उस समय जो है बंगाल और बिहार के चीफ जो थे उनके द्वारा वहाँ का मुखिया चुना गया. ओके सो बेटा कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14. द 14 पेज इज रिटन हियर मैनेजिंग द न्यू किंगडम. चूंकि नए साम्राज्य बन गए तो उनको मैनेज कैसे करना था इसके बारे में इस टॉपिक में जाना जाएगा. द एवव एक्टिविटी टेल्स अस द किंग कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस फ्रॉम पीपल. देखिए पिछले के जो हमने पढ़ाइयाँ पढ़ी, जो चीज़ें हमने जाना, उसमें हमें ये जानने को मिला कि राजाओं ने कई प्रकार के जो हैं टैक्सेस कलेक्ट किए. ठीक है, यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई इट वाज सो इम्पोर्टेंट फॉर द किंग. यह सोचना आवश्यक है कि किंग के लिए कलेक्ट करना टैक्स को क्यों जरूरी था. ओके, इट वाज सो इम्पोर्टेंट फॉर अ किंग टू कलेक्ट टैक्सेस एंड हु कलेक्ट टैक्सेस फॉर देम. लेट अस फाइंड आंसर्स. यानी कि वह टैक्स कौन कलेक्ट करता था, जरूरी क्यों था, इनके बारे में हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं. किंग वेयर द सुप्रीम पावर इन किंगडम. दे टुक ग्रैंड टाइटल्स सच एज महाराजा धीराज, मीनिंग द ग्रेट किंग्स ऑफ किंग. देखिए राजा जो थे वो सुप्रीम पावर थे, सर्वशक्तिमान थे, और उन्होंने अपने लिए महाराजा धीराज की उपाधि ली थी. महाराजा धीराज क्या हुआ, द किंग्स ऑफ द किंग्स, यानी राजाओं के भी राजा, उसको बोला गया महाराजा धीराज. ओके, त्रिभुवन चक्रवर्ती, यानी कि तीनों भुवनों को जीतने वाले. ठीक है, चक्रवर्ती आर द एम्पायर ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स, यानी तीन संसार, तीनों भुवनों के जो है मालिक. ठीक है, टू द ग्लोरी देमसेल्फ, अपने नाम को उन्होंने गौरवशाली करने के लिए ये सब उपाधियां ग्रहण की. ठीक है, रूलर्स आल्सो डिपिक्टेड देमसेल्फ एज ब्रेव, फियरलेस, विक्टोरियस वॉरियर्स इन द प्रशस्तीज. उस समय राजाओं के प्रशंसा में प्रशस्तीज लिखी जाती थी. इन प्रशस्ति लिखने वाले लेखकों को राजा की तरफ से बहुत सारे इनाम मिलते थे, तो उन प्रशस्ति में इन्होंने अपने आप को बहादुर, निडर वगैरह वगैरह बढ़ा के, बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखवाए. डिस्पाइट दीज टाइटल्स द प्रशस्तीज द किंग कुड नॉट रूल ऑल बाय हिमसेल्फ एंड शेयर पावर विद हिम साम्राज्य. इन सब उपाधियों के बावजूद राजा जो है वो अकेले पूरे प्रदेश का शासन नहीं कर सकता था, इसलिए उनको किसकी जरूरत थी, सामंतों की. ओके, तो सामंताज एंड वेरियस एसोसिएशन लाइक पीजेंट ट्रेजर एंड ब्राह्मण्स, यानी कि सामंत थे, इसके अलावा उनके पास ब्राह्मण थे, उनके पास खेती करने के किसान थे, हु हेल्प टू रन हिज किंगडम, जो उनके साम्राज्य को चलाने में सहायता करते थे. पीपुल फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज एंड द क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग्स हेल्ड की पोजीशंस इन द आर्मी. देखिए उस समय जो आर्मी थी, आर्मी में राजा के परिवार के लोग या सामंत, बड़े बड़े पूंजीपतियों के घर के लोग, उनको जो है बड़े पोस्ट मिलते थे. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रिवेन्यू कलेक्शन. उस समय रिवेन्यू कलेक्शन क्या था, कैसे था. रिवेन्यू आर टैक्सेस वेयर द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द मेडिवल किंग्स. यानी मध्यकालीन राजाओं के सबसे बड़े स्रोत जो थे वो रिवेन्यू थे, टैक्स थे. देयरफॉर रिवेन्यू कलेक्शन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजिंग किंगडम्स. यानी साम्राज्यों को चलाने के लिए रिवेन्यू बहुत जरूरी था. टैक्सेस वेयर लिवाइडेड ऑन द वेरियस रिसोर्सेज प्रोड्यूस्ड इन द किंगडम. पीजेंट्स, कैटल कीपर्स एंड आर्टिसंस यूज टू गिव अ पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस एज टैक्स. यानी जितने किसान थे, जितने जानवर रखने वाले थे, चरवाहे जिनको कह सकते हैं, ये अपने प्रोड्यूस का यानी जो उत्पादन होता था उसका कुछ हिस्सा जो है वो टैक्स के रूप में पे करते थे. द ट्रेडर्स आल्सो हैड टू गिव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम एज टैक्स. और जो व्यापारी थे उनको भी अपने इनकम का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता था. ठीक है, वेरी ऑफन द टैक्स वेयर कलेक्टेड एज रेंट फॉर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑन द लैंड दैट द रूलर ओन्ड. देखिए अब टैक्स क्या था,
जिस राजा के साम्राज्य में आप जी रहे हैं, वह उस राजा ने उस साम्राज्य को जीता है, तो जीतने से उनके जमीन को, उनके संसाधनों को प्रयोग करने के लिए आपको टैक्स देना पड़ता था। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज लैंड ग्रांट्स, यानी लैंड ग्रांट्स कैसे प्राप्त होता था। द किंग ऑफन गेव ग्रांट्स ऑफ टैक्स फ्री लैंड्स टू ब्राह्मिन्स। देखिए, ब्राह्मण लोगों को टैक्स फ्री लैंड मिलता था, यानी कि ऐसा लैंड जिसमें आपको खेती करना है, उपज होनी है, उससे आप मंदिर की देखभाल करेंगे और आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, दीज प्लेट्स देन गिवन टू द रेसिपिएंट्स ऑफ द लैंड्स, दोज हु रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स कुड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम इट। और जो लोग लैंड ग्रांट जिनको मिलता था, वह उस क्षेत्र के जितने खेत थे वहाँ से टैक्सेस वसूल कर पाते थे ब्राह्मण। ओके, सो लास्ट पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर के राजाओं का इतिहास। कल्हण, हु लाइव्ड इन 12th सेंचुरी, कंपोज्ड अ लॉन्ग संस्कृत पोयम ऑन द हिस्ट्री ऑफ किंग ऑफ कश्मीर। देखिए, कल्हण एक पोएट थे, कवि थे, जिन्होंने कश्मीर के इतिहास पे बहुत बड़ा जो है संस्कृत में पोयम लिखा है, हिस्टोरिकल पोयम नोन एज राजतरंगिणी। इस बुक का नाम है राजतरंगिणी आर किंग रिवर ऑफ किंग्स, यानी राजाओं की नदी। ओके, प्रोवाइड्स वैल्यूएबल सोशल एंड पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट कश्मीर। इस बुक में हमें कश्मीर के बहुत सारे पॉलिटिकल और वैल्यूएबल सोशल जो है इंफॉर्मेशन मिलती हैं उस टाइम की। टू राइट दिस कंपोजिशन कल्हण has used a variety of historical resources। इसको लिखने के लिए कल्हण ने उस समय के ऐतिहासिक स्रोत का प्रयोग किया। ओके, सच एज इंक्रिप्शंस, जैसे शिलालेख हो गया, डॉक्यूमेंट्स, कुछ कागजात मिल गए, आई विटनेसेस, कुछ जो है चश्मदीद गवाह हो गए, अकाउंट्स ऑफ एडेड हिस्टोरियंस, पुराने जो है हिस्ट्री थे, इतिहास थे, उनके चीज़ों को देख के उन्होंने लिखा। ओके, द पोयम प्रेजेंट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द रूलर एंड देयर पॉलिसीज। इस पोयम में जो है क्रिटिकल एनालिसिस, यानी राजाओं के बारे में जो है एकदम उस समय की सच्ची घटनाएं, ठीक है, और उनके पॉलिसीज को साफ साफ दिखाया गया है कल्हण के द्वारा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दैट इज द फर्स्ट लेक्चर फॉर लेसन 2 ऑफ हिस्ट्री। अगेन वी विल मीट in the second meeting and we will discuss the conflicts in the early medieval kingdoms. Okay then, till then keep reading and be safe, be at home. Okay, thanks for watching the video.